छपरा शहर से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में 4 युवक गंभीर हो गए हैं, जिन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए PMCH रेफर किया गया है। घटना छपरा शहर के नगर थाना अंतर्गत करीमचक मोहल्ला की बताई जा रही है, जहां स्थानीय 4 युवकों को चाकू से गोद डाला गया है। अनन फनन में चारों को छपरा सदर अस्पताल लाया गया, वहीं सूचना के बाद छपरा सदर अस्पताल पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया। सारण ADM डॉक्टर गगन कुमार सहित कई DSP और कई थानों की पुलिस सदर अस्पताल पहुंच गई। बताया जा रहा है कि इस चाकूबाजी की घटना में करीमचक मोहल्ला निवासी चेलू कुरैशी के 2 पुत्र दिल्लू एवं मुस्की तथा शेखू आलम का पुत्र साहिल एवं मोहम्मद शमीम का पुत्र सैफ आलम शामिल है। चारों के शरीर पर 4 से 5 जगह चाकू से गोदा गया है। यह घटना करीमचक मोहल्ला की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस वहां पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सभी घायलों को छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पहले दिल्लू और साहिल को रेफर किया गया, वहीं स्थिति बिगड़ते देख उसके बाद मुस्की को रेफर किया गया, जबकि सैफ आलम को ICU में रखा गया था, लेकिन कुछ पल बाद सैफ आलम को भी PMCH रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे ADM डॉक्टर गगन कुमार ने बताया कि शहर में चाकूबाजी की घटना हुई है। पुलिस पूरी तरह मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रिपोर्ट हलचल 24 छपरा। ये सर, तो किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन द्वारा इस मामले में? ऐसी घटना की सूचना मिली है, सबसे पहले जो घायल हैं उनको उपचार की व्यवस्था कराई गई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारी उनके साथ आए और यहाँ पर उनका स्टिच वगैरह का सारा काम कर लिया गया। तुरंत उनका हेल्थ का जांच करने के बाद जो रेफर करने लायक थे उनको पटना रेफर किया गया है, और अभी एक आदमी है जिनका कि CCT स्कैन कराया जा रहा है, एक ठीक ठाक है तो उनको ICU में रखकर उनका उपचार कराया जा रहा है। घटना का कुछ कारण पता चल पाया है सर? नहीं, अभी तो हम लोग उनको जो घायल हैं उनके उपचार पर लगे हैं, उनको किस तरह से हम सुरक्षित कर सकें इसी में हम लोग लगे हैं। सर, चाकूबाजी में कुल कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी तो 4 लोग हैं, जो अभी यहाँ पर हैं और जो PMCH के लिए रेफर। घटना कहाँ हुई है सर? पहले मतलब कहाँ पे? नगर थाना के नगर थाना वही करीमचक। ठीक है, ये शहर में जो चाकूबाजी हुई है क्या मामला है? देखिए, हम लोग इसकी सूचना पाकर यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हमारा भी घर है और क्लोज में पत्नी हमारी पार्षद है, स्थानीय वहाँ पर जो व्यवहार है, जो वर्तमान हालात है, एकदम दयनीय है। पूरा इलाका दारू और जुआ के चट में है। वहाँ के लोग उसी रास्ते से दारू बेचते हैं, भेजते हैं, रोकने पे मारपीट करने के लिए उतारू होते हैं। यहाँ पर भी यही मामला है, उस पुल से आपको लोगों का दारू लेके जाना है, गांजा लेके जाना है, स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं, तो कट्टा तान देना, पिस्टल तान देना, आए दिन की बात है। ये प्रशासन को हम लोगों ने बार बार सूचना दिया, ऐसे बात नहीं है। कहाँ पे है वो जगह? ये आपको करीमचक कुरार से लेकर आपको रूपगंज तक, अड्डा नंबर 2 भी पास जी, अड्डा नंबर 2। तो आज ये जो चाकूबाजी की घटना हुई है वही हुई है, लेकिन क्या मतलब किस वजह से हुआ ये पता हम लोग को नहीं है, लेकिन जो अभी तह से मामला आ रहा है, मामला यही है कि दारू का रोक टोक की वजह से ये हुआ है। स्थानीय लोग वहाँ पर जाके कुछ जो घर है वहाँ पर जो हंगामा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उस वजह से ये घटना हुआ है। आपका नाम? मोहम्मद सुल्तान हुसैन जी। से सर, अभी शहर में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें कितने लोग अस्पताल आए हैं, कितने लोग रेफर गए? 4 लोग अस्पताल आए हैं, 3 लोगों को इलाज के बाद प्राथमिक उपचार करने के बाद 3 लोगों को हमने पटना PMCH के लिए रेफर कर दिए हैं, और एक जो है इसका ICU में उसका इलाज कर। जो रेफर किए गए हैं 3 लोग, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टेबल है, पेशेंट स्टेबल। नाम बतला सकते हैं कौन कौन लोग रेफर गए हैं? साहिल और दिल्लू, ये लोग स्टेबल थे। एक है मुस्की, ये 3 लोग को रेफर किया गया है, सैफ आलम। अपना परिचय देंगे सर? कर रहे हैं।
वाला मोबाइल तो नहीं किया यार, दूसरा से तो बनाओ।